कैसे हैं आप सभी। आज हम स्टडी 18 में पढ़ेंगे कि थ्री टायर सिस्टम के बारे में। थ्री टायर सिस्टम में क्या होता है, उसमें कितने सेंटर हैं, उस पर कितनी जनसंख्या पर ये PSC CSC सब सेंटर इस्टेब्लिश किए जाते हैं, उसमें कितने की टीम होती है या कितने मेंबर्स वर्क करते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो मैं विश गोस्वामी स्टडी 18 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो चलो आज अपन आगे पढ़ते हैं थ्री टायर सिस्टम के बारे में। तो थ्री टायर सिस्टम प्रणाली के बारे में अपन पढ़ लेते हैं कि फर्स्ट है इसमें उपकेंद्र, फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जैसा कि आपने समझ लिया होगा, सब सेंटर, PSC CSC। तो इसमें नर्स की क्या भूमिका होती है, क्या रोल्स होते हैं, तो उसके बारे में फर्स्ट हम पढ़ लेते हैं कि सब सेंटर के बारे में फर्स्ट हम पढ़ते हैं। जल्द देखिए आगे क्या है। तो सब सेंटर में इसका सेटअप है, उसके बारे में कि ये ग्रामीण समुदाय होते हैं, तो वहाँ पर इसकी हेल्थ सिस्टम होती है, स्वास्थ्य तंत्र है उसकी, ये फर्स्ट यूनिट होती है। तो सब सेंटर जो है मैदानी क्षेत्रों में यानी नॉर्मल इलाके होते हैं, एरिया होते हैं, तो उसमें ये 5,000 की जनसंख्या पर होते हैं, और जो पर्वतीय क्षेत्र यानी आदिवासी यानी हिली एरिया कह सकते हैं, तो वहाँ पे 3,000 की जनसंख्या पर इसको स्थापित किया जाता है या इस्टेब्लिश किया जाता है, और 3,000 की जनसंख्या को कवर करती है। वैसे इसकी अभी ये जो हाई पावर कमेटी संगठन है, इसकी कमेटी बैठी थी, तो उसमें ये 2,500 की जनसंख्या पर इसको गठन करने की सिफारिश की गई है। तो उसके अंदर ये प्रोसेस जारी है कि 2,500 की जनसंख्या पर ये सब सेंटर की स्थापना की जाए। यहाँ का जो स्टाफ होता है फ्रेंड सब सेंटर का, तो उसमें क्या है, बहुउद्देश्य महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी मल्टीपर्पज फीमेल हेल्थ वर्कर होती है, वो एक होती है, और जो मेल हेल्थ वर्कर होता है वो भी एक होता है, और स्वयं सेवी कार्यकर्ता होता है तो वो भी एक होता है। तो इसमें ये मैं आपको मार्क लगा के बता देता हूँ कि ये एक एक हैं तीनों, और उसके टोटल होते हैं, टोटल ये तीन होते हैं, इसमें तीन की ये होता है स्टाफ होता है, और इनका जो मानदेय है यानी सैलरी है प्रति महीने की, ये 100 रुपये इनके मानदेय कर रखा है प्रति महीने का। तो इसमें जो अधिकांश होता है, जो उसकी जिम्मेदारी होती है, जो फाइनेंशियली उसको सपोर्ट करता है, वो होती है उपकेंद्रों की, जो केंद्रीय होता है स्वास्थ्य परिवार मंत्रालय, ये केंद्रीय परिवार स्वास्थ्य परिवार मंत्रालय होता है, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, तो उसके द्वारा होती है। और जो शेष बची है वो राशि होती है, इन तक पहुँचती है, वो राज्य सरकार द्वारा पहुँचती है इनके पास, और उसके अलावा जो वेतन होता है तो वो भी राज्य सरकार देती है। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं कि इसका सुपरवाइजिंग कौन करता है फ्रेंड, तो सुपरवाइजिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। इसकी जो सुपरवाइजिंग है फ्रेंड, सुपरवाइजिंग करते हैं, इस लिखा हुआ है कि सुपरवाइजिंग ऑफ सब सेंटर, सब सेंटर पर इसकी सुपरवाइजिंग करती है, मतलब 6 फीमेल हेल्थ वर्कर होती है, उनके ऊपर एक वापस फीमेल सॉरी 6 फीमेल हेल्थ वर्कर होती है, उसके ऊपर वापस एक फीमेल हेल्थ वर्कर होती है, यानी ये सुपरवाइजिंग का काम करती है 6 फीमेल हेल्थ वर्कर पर। ऐसे लिखा हुआ है कि 6 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता अर्थात 6 उपकेंद्रों पर एक महिला ये स्वास्थ्य कार्यकर्ता काम करती है, उनके ऊपर सुपरवाइजिंग करती है। उसके बाद इनके फंक्शन क्या है सब सेंटर पर, तो क्या है कि माता और बच्चे होते हैं उनकी स्वास्थ्य का देखभाल करना, मदर और उसके चाइल्ड का स्वास्थ्य की देखभाल करना, ये फैमिली प्लानिंग के बारे में समझाना, सेवाएं प्रदान करना, इम्यूनाइजेशन के बारे में बताना, उसके बाद रेफरल सिस्टम है, रेफरल सेवाएं प्रदान करना और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना। उसके अलावा भी ये कुछ दो तीन और पॉइंट दे रखे हैं इसमें, मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें दो तीन पॉइंट है कि ऐसे ये है प्रयोगशाला, वहाँ पे है परीक्षा के अंदर इसके जो भी टेस्ट वगैरह करना है, नॉर्मल जो टेस्ट है वो कर सकते हैं, जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट है, इसके अलावा है मलेरिया टेस्ट है, ये दो चार टाइप के विड़ाल टेस्ट हैं, ये कर सकते हैं। उसके बाद क्या है IUD प्रवेश कराना, हर सुविधा होती है उनका प्रचलन बढ़ाना। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि ये फंक्शन क्या है फीमेल हेल्थ वर्कर, जो वहाँ पे अगर सुपरवाइजिंग फीमेल हेल्थ वर्कर करते हैं तो उसके फंक्शन में पढ़ने पड़ेंगे कि ये फीमेल हेल्थ वर्कर क्या क्या कार्य, तो वो पढ़ लेते हैं। तो फीमेल हेल्थ वर्कर के कार्य देखिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ, फीमेल हेल्थ वर्कर के क्या क्या कार्य हैं। तो जो पहला देख लेते हैं, ये RCS के अंदर RCS के जो भी उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको पूरा करना, ये पढ़ने में बाल स्वास्थ्य के जो उत्तरदायित्व है उसको पूरा करना। उसके बाद क्या है फैमिली नियोजन यानी परिवार नियोजन है, फैमिली प्लानिंग है, उसके संबंधी कार्यक्रमों में सहभागिता लेना, अपनी पूरी रुचि दिखाकर उसमें कार्य करना, और जो MTP है MTP का प्रचार प्रसार करना, और उसके बारे में एजुकेशन देना, वेल एजुकेशन। फिर ये न्यूट्रिशन संबंधी कार्य है और एजुकेशन संबंधी ये जो कार्य उसमें हेल्प करना, और राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रमों का पालन करना। उसके बाद है संक्रामक इन्फेक्टिव डिजीज है उसका रोकथाम करना, उसके अंदर जो भी सूचना है उसके बारे में नोटिफाई करना इसके अंदर आता है। उसके बाद और फ्रेंड्स ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट होती है उसको दाई कहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में दाइयाँ होती है, उनको वेल एजुकेशन देना, और एजुकेशन में उनको भाग लेने का अधिकारी, उनको भाग देना, उनको शिक्षा देना, एजुकेशन करना है कि डिलीवरी कैसे कराई जाती है, कौन सी एसेप्टिक टेक्निक का उनको यूज़ करना, उसके बारे में उसको गाइड करना। उसके बाद जो भी जीवन समक है वाइटल स्टेटिस्टिक्स है उनका एकत्रीकरण इकट्ठा करना, उनको कलेक्ट करना, और जो उपकेंद्र के सभी निर्धारित सभी रिकॉर्ड रखना था समय समय पर उनको प्रेरित करना, प्रेषित करना, यानी रिकॉर्ड है रिपोर्ट और रिकॉर्ड को मेंटेन करना।
उसके बाद है प्राथमिक चिकित्सा सुविधा प्रदान करना, जो फर्स्ट केयर होती है प्राथमिक चिकित्सा उनको प्रदान करना। मान लग गई है किसी को तो उसके लिए बैंडेज लगाना है, पट्टी करना है, दवाई लगाना है, ट्रीटमेंट करना है उसके बारे में। और जो हेल्थ टीम के सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं, उनके द्वारा जो सौंपे गए कार्य हैं वो पूरा करना है। देखिए हेल्थ टीम के सदस्य होते हैं उनके द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरा करना। और उसके बाद है कि सूचना शिक्षा और संचार कार्यक्रमों के तहत लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। सूचना शिक्षा और संचार होता है उसमें लोगों को क्या करना, जागरूकता बढ़ाना, ये है फीमेल हेल्थ वर्कर के कार्य। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि मेल हेल्थ वर्कर होता है, मल्टीपर्पज मेल हेल्थ वर्कर जो सब सेंटर पर होता है, तो उसके क्या क्या कार्य हैं वो पढ़ लेते हैं आगे। तो फ्रेंड मेल हेल्थ वर्कर के कार्य पढ़ लेते हैं। इसमें क्या इन्फेक्शन डिजीज होती है उसकी रोकथाम में सहायता करना, फीमेल हेल्थ वर्कर की सहायता करना ये इन्फेक्शन डिजीज की रोकथाम में। उसके बाद मलेरिया है उसके नियंत्रण के कार्यक्रमों में भाग लेना, ये कुष्ठ रोग है, क्षय रोग है, दिल कार्यक्रमों में भाग लेना, अंधत्व यानी जो आईडीज वाले हैं अंधे लोग उनके कार्यक्रम में भाग लेना, और जो टीकाकरण है व्यापक टीकाकरण में इम्यूनाइजेशन में तो फीमेल हेल्थ वर्कर को हेल्प करना, स्कूली बच्चों का टीकाकरण कराने में उसकी हेल्प करना, सहायता करना या सहयोग प्रदान करना। उसके बाद फैमिली प्लानिंग है उसके अंदर सहायता करना, RCH है उसके अंदर उसको जो फीमेल हेल्थ वर्कर है उसकी सहायता करना, सहयोग करना और सक्रिय रूप से भाग लेना यानी फिजिकली रूप से भाग लेना। उसके बाद उसके बाद हम पढ़ते हैं कि वातावरण स्वच्छता को बढ़ावा देना, जो वातावरण स्वच्छता है उसको बढ़ावा देना। उसके बाद शिक्षा सूचना संचार के जो कार्यक्रम है IEC कहते हैं उसको, उसके अंदर लोगों को जानकारी पहुँचाना, जो लोगों के पास जानकारी नहीं है आधी अधूरी कह सकते हैं बिल्कुल नहीं, उनके पास जानकारी पहुँचाना। और पोषाहार शिक्षा या सेवाओं में सहभागिता है, जो बच्चों को पोषाहार मिलता है उसके अंदर सहभागिता करना। उसके बाद प्राथमिक उपचार है उसमें भी फीमेल हेल्थ वर्कर की हेल्प करना, और गंभीर रूप से मामले या महामारी है उनकी सहायता व्यवस्था करना, और जो रिकॉर्ड होते हैं उनको सेफ रखना या उनको मेंटेन करना। उसके बाद पढ़ेंगे प्राइमरी हेल्थ सेंटर में इसका सेटअप क्या है, तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बारे में पढ़ते आगे कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर कितने हैं, कौन से लेवल पर इस्टेब्लिश किया जाता है, और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में क्या क्या होता है, कितने लोगों का स्टाफ होता है, कितनी जनसंख्या पर इसका सेटअप किया जाता है, गठन किया जाता है, और कि क्या क्या वर्क है फीमेल हेल्थ वर्कर के, मेल हेल्थ वर्कर के क्या क्या वर्क है उसके बारे में पढ़ते आगे अपन। प्राइमरी हेल्थ केयर का जो सेटअप है फ्रेंड वो है जैसे कि ये ग्रामीण समुदाय यानी कम्युनिटी होती है, रूरल कम्युनिटी, उसके अंदर और चिकित्सक के मध्य पहला संपर्क बिंदु यानी कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है। जो कि PHC होती है वो मैदानी क्षेत्र होती है, जैसे आपको बताया नॉर्मल जो एरिया होते हैं उनके ऊपर 30,000 होती है उनकी जनसंख्या पर ये PHC इस्टेब्लिश की जाती है। और नेक्स्ट पेज पर पढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पर जैसे आदिवासी क्षेत्र होते हैं, हिली एरिया है, तो वहाँ पे ये 20,000 की पॉपुलेशन होती है उसके ऊपर इसको इस्टेब्लिश किया जाता है, और 20,000 की पॉपुलेशन को ये कवर करती है। और इनकी जो स्थापना होती है, ये इनकी जो स्थापना होती है यानी इसको इस्टेब्लिश किया जाता है वो राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार की न्यूनतम बुनियादी जो आवश्यकता होती है उसके अंदर इसका खर्च उठाया जाता है, और उसमें जो पेशेंट की देखभाल के लिए बेड होती है बेड की संख्या कम से 4 से 5 के बीच में होती है, 5 से 6 के बीच में होती है, और नॉर्मल जो डिजिट डायग्नोसिस की ये सुविधा होती है वो भी यहाँ पर उपलब्ध होती है। और इसके अलावा कुछ जो प्रोसीजर होते हैं सर्जिकल प्रोसीजर हैं वो भी यहाँ पर किए जाते हैं, जिससे कि पेशेंट को कि थोड़ा छोटे मोटे इंजरी है या स्टिचिंग है तो वो बाहर नहीं जाना पड़े और यहाँ पर हो जाए। फिर उसके बाद यहाँ पढ़ते हैं कि यहाँ का स्टाफ है वो कितना होता है, स्टाफ के बारे में, और जो स्टाफ है वो अलग अलग राज्यों के हिसाब से अलग अलग इसके नाम हो सकते हैं, स्टाफों का जो नाम है वो अलग अलग राज्यों के हिसाब से अलग अलग नाम हो सकता है। तो यहाँ पढ़ते हैं इसमें स्टाफ कौन कौन से होते हैं। देखिए फर्स्ट है जो वो है यहाँ का चिकित्सा अधिकारी, जो एक चिकित्सा अधिकारी होता है, फिर इसमें एक नर्स होती है, एक जो फीमेल हेल्थ वर्कर और ANM होती है वो एक होती है, उसके बाद फार्मासिस्ट होता है जो फार्मासिस्ट भी एक होता है यहाँ पर, उसके बाद प्रखंड विस्तार शिक्षक ये BEE है वो भी एक होता है, फिर जो मेल है मेल हेल्थ वर्कर हैं वो भी यहाँ पर एक होता है, उसके बाद जो है फीमेल हेल्थ वर्कर वो भी एक होती है, कनिष्ठ लिपिक यानी जो LDC कह सकते हैं वरिष्ठ लिपिक ये होते हैं दोनों, उसके बाद एक जो लैब टेक्नीशियन है वो एक होता है, उसके बाद ड्राइवर होता है, उसके बाद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यानी साफ सफाई कर्मचारी कह सकते हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, उनकी संख्या 4 होती है फ्रेंड्स, जो टोटल मिलाकर यहाँ की जो संख्या होती है वो है 15। तो ये होता है PHC का स्टाफ होता है यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का जो स्टाफ है वो ये होता है। उसके बाद जो यहाँ के फंक्शन है तो फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ के फंक्शन क्या क्या होते हैं, इसके हमने इसका स्टाफ तो पढ़ लिया, स्टाफ के बाद आते हैं फंक्शन की ये क्या क्या वर्क करता है PHC, तो उसके बारे में पढ़ते हैं क्या है कि चिकित्सा देखभाल होती है फर्स्ट वर्ग ये, फिर है स्वास्थ्य आपूर्ति है आधारभूत स्वच्छता के बारे में यहाँ पे ये एजुकेशन देना लोगों को, फिर है जो इंडेमिक डिजीज है उनकी रोकथाम करना, ये स्वास्थ्य स्थानीय बीमारियाँ हैं उनकी रोकथाम करना, उसके बाद है RCS है उसकी और परिवार नियोजन है और सभी जैव सांख्यिकी का संग्रहण है रिपोर्ट है RCH है उसके अंदर
लोगों की सहायता करना, जैसे IUD वगैरह है उनकी सप्लाई करना, बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में टीकाकरण है, इम्यूनाइजेशन है वो प्रदान करना, फिर जो है जैविक सांख्यिकी यानी वाइटल स्टेटिक है एकत्रीकरण, डाटा एकत्रित करना कि शादीशुदा कितने हैं, डेथ कितनी हुई, बच्चे कितने जन्मे हैं, वो है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं उसमें और क्या क्या है, उसके बाद जो क्या है हेल्थ एजुकेशन देना, तो ये हेल्थ एजुकेशन ऐसे भी है। फिर रेफरल सिस्टम प्रणाली, इसमें रेफर कैसे, अगर यहाँ पे उसका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा तो उसको आगे रेफर करना, जैसे PSC है तो PSC से CSE पर रेफर करना। उसके बाद क्या है प्रयोगशाला, आधारभूत जो नई टेक्नोलॉजी की प्रयोगशाला है उसके अंदर है। उसके बाद फंक्शन है उसका राष्ट्रीय स्वायत्त कार्यक्रम के अंदर इसका फंक्शन है। उसके बाद जो VHG होते हैं, विलेज हेल्थ गाइड होते हैं, और जो TB ट्रेडिशनल बर्ड अटेंडेंट यानी कि दाई कहते हैं उसको ग्रामीण क्षेत्र में, और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं तथा स्वास्थ्य सहायकों को प्रशिक्षण देना, उनको वेल एजुकेटेड करना स्वास्थ्य सहायकों को। उसके बाद पढ़ेंगे प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर नर्स, जो नर्स है उसकी क्या कार्य है। उसके बाद पढ़ते हैं, वैसे तो जो नर्स होती हैं उसके बहुत सारे काम होते हैं, पर जो यहाँ पे थोड़ा कुछ काम दे रखे हैं तो वो अपन पढ़ लेते हैं कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी PSC होते हैं तो उसमें जो जितने भी काम होते हैं उसमें नर्स की सबसे ज़्यादा भूमिका होती है, कि नर्स के अंडर में होते हैं वो सारे काम नर्स को देखना पड़ते हैं और उसको निर्वहन करना पड़ता है। जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के जो मुख्यालय होते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा काम होते हैं नर्स की देख रेख के, नर्स के अंडर में सारे काम होते हैं। जब महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता है तो वो भी PSC होती हैं, तो वहाँ पे उसके अंदर आने वाले सभी कार्य वाले उप केंद्र होते हैं यानी सब सेंटर है, तो उनका ऑब्जर्वेशन करना, ये सारे काम नर्स के अंदर आते हैं। और जो सामुदायिक कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है उसका मुख्यतः पर्यवेक्षक संबंधी कार्य होता है, सुपरवाइजर का कार्य होता है। उसके बाद पढ़ेंगे फ्रेंडम कि जो ये फीमेल हेल्थ वर्कर हैं उनके क्या कार्य, तो फीमेल हेल्थ वर्कर के कार्य के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि फीमेल हेल्थ वर्कर के क्या कार्य हैं। तो वो अपन देखते हैं फीमेल हेल्थ वर्कर के फंक्शन यानी क्या क्या कार्य हैं जो सब सेंटर पर हैं, PSC पर हैं, जो सब सेंटर पर अपने पढ़े उससे रिलेटेड भी होंगे थोड़े, और थोड़े PSC पे नए वर्क होंगे क्योंकि यहाँ पे आकर कार्य बढ़ जाता है, कार्य पर ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसके अंदर पढ़ते हैं कि इसके क्या क्या कार्य हैं देखते हैं। तो जो PSC पर जो होती हैं फीमेल हेल्थ वर्कर, तो उसकी सहायता में जो PSC पर तो क्या वर्क देखिए, तो जो सब सेंटर होते हैं उस पर जो फीमेल हेल्थ वर्कर कार्य कर रही है तो उसको क्या करना, सुपरवाइजिंग करना, और उसको साइट पर दिखाना कैसे कार्य करना, उसके बारे में कैसे पेशेंट को हैंडल करना है, उसके बारे में उसको सही रास्ता दिखाना। उसके बाद है जो हेल्थ टीम होती है उसके रूप सदस्य के रूप में यानी मेंबर के रूप में, हेल्थ टीम के मेंबर के रूप में कार्य करना। उसके बाद उप केंद्रों के लिए सामग्री उपकरण आदि की व्यवस्था करना, जो सब सेंटर है उसके लिए सामग्री और इंस्ट्रूमेंट यानी उपकरण है उसकी व्यवस्था करना, और जो रिकॉर्ड है रिपोर्ट है उनको जाँच करना यानी मेंटेन रखना, उसमें कोई कमियाँ नहीं होनी चाहिए। उसके बारे में जो TB है यानी ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट यानी दाई कहते हैं उसको, उसको प्लस वेल एजुकेटेड करना। उसके बाद जो उप केंद्र में साप्ताहिक यानी साप्ताहिक एंटीनेटल एवं शिशु क्लिनिकों के संचालन में सहायता करना, जो क्लिनिक शिशु हैं छोटे बच्चों के हैं प्रेगनेंट लेडी के हैं तो उनके जो क्लिनिक लगे हुए हैं तो उसके बारे में उनकी सहायता करना संचालन के बारे में। उसके बाद में क्या है फ्रेंड कि RCS में जो बाल स्वास्थ्य हैं या जो प्रजनन रिप्रोडक्टिव है तो उनके लिए जो MTP की सुविधा है तो उसकी काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध कराना, MTP की सुविधा उपलब्ध कराना और काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध कराना। उसके बाद क्या है कि परिवार नियोजन की सेवा प्रदान करना, जैसे कि PSC CSC सब सेंटर ये सब ये कहाँ सब जगह होगा कि फैमिली प्लानिंग के बारे में सभी को बताना, हम दो हमारे दो वाला सिस्टम है। जो पोषण सेवा है कुपोषण के मालों में को आगे रेफर करना, जो माल न्यूट्रिशन है तो उस मामलों को आगे रेफर करना, और जो टीकाकरण का कार्य की देख रेख करना, जो इम्यूनाइजेशन है कहीं गलत तरीके से नहीं हो रहा है या किसी के हो रहा है या नहीं हो रहा है, सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है उसकी देख रेख करना, जानकारी लेना उसमें कैसे कार्य हो रहा है, और जो प्राथमिक चिकित्सा सेवा है तो उसको प्रदान करना। जो फर्स्ट सिस्टम है ये प्राथमिक सेवा सभी जगह प्रदान करनी है। उसके बाद जो हेल्थ एजुकेशन है वो भी लोगों को पढ़ाना, स्वास्थ्य के बारे में हाइजीन कैसे मेंटेन करना है उसके बारे में लोगों को बताना है। उसके बाद है फ्रेंड जो मेल हेल्थ वर्कर होता है तो उसके क्या क्या कार्य है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं कि मेल हेल्थ वर्कर के क्या क्या कार्य हैं, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। जो मेल हेल्थ वर्कर होता है वो सुपरवाइजर का काम करता है और ये भी पथ प्रदर्शक का काम करता है, राइट वे का दिखाने का काम करता है। जो हेल्थ टीम है तो उसके सदस्य के रूप में कार्य करता है। उसके बाद जो उपकरणों की सुविधा पहुँचानी है महिला स्वास्थ्य करता है कि उसमें हेल्प करना है फीमेल हेल्थ वर्कर की हेल्प करना, और जो रिकॉर्ड है उनको सही तरीके से जांचना, उनका निरीक्षण करना, मलेरिया के जो कार्यक्रम है उसमें कार्य करना, संक्रामक रोगों की तुरंत अधिसूचना करना, और पर्यावरण स्वच्छता का पोषण करना एवं पोषण करना। जो फैमिली प्लानिंग है उसके अंदर पुरुषों के लिए पुरुष डिपो होल्डर तैयार करना, जो पुरुष डिपो होल्डर है तो उसको तैयार करना, और जन्म मृत्यु की रिपोर्टिंग है ये डेथ है जन्म बर्थ है और डेथ की जो रिपोर्टिंग है कितने बच्चों का जन्म हुआ है, कितने की डेथ हो गई है, या कितने की बच्चे नहीं कह सकते हैं बड़े भी कह सकते हैं छोटे भी है, उनकी जन्म और मृत्यु की रिपोर्टिंग मेंटेन करना, कितने का जन्म हुआ है कितने की मृत्यु हुई है,
उसके बाद जो है प्राथमिक चिकित्सा है प्रदान कर ली, वो सब सेंटर सभी को करनी है, प्राथमिक सेंटर पर है और PSC लेवल पर है, वहाँ पर सभी को प्राथमिक सेवा प्रदान करना। उसके बाद जो है हेल्थ एजुकेशन देना, हेल्थ एजुकेशन सभी को प्रोवाइड करना ही है कि कैसा हाइजीन मेंटेन किया जाए, कैसे रहना है, रोज नहाना धोना स्वस्थ रहना, कैसा खाना खाना, उसके बारे में सभी को बताना। ये फीमेल मेल हेल्थ वर्कर के कार्य हैं ये। इसके बाद है फ्रेंड हम पढ़ेंगे कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के बारे में पढ़ेंगे कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है तो उसमें क्या क्या है, उसका सेटअप कैसा है, उसके अंदर कितने फिर स्टाफ होता है, वो कितने की जनसंख्या पर इसको CSC को इस्टेब्लिश किया जाता है, हिली एरिया में कितना होता है और नॉर्मल इलाका होता है मैदानी क्षेत्र है उसमें कितना होता है, इसमें क्या क्या सुविधाएं होती है, इसका स्टाफ कितना होता है, मेल हेल्थ वर्कर के क्या क्या काम है, फीमेल हेल्थ वर्कर के क्या क्या काम है, तो वो हम इसमें पढ़ेंगे कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में क्या क्या आता है, इसका सेटअप कैसा है, वो अपन देखते हैं। तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पढ़ लेते हैं कि इसका सेटअप है। तो जो PSC होती है वो रूरल एरिया होते हैं, रूरल हेल्थ सर्विस होती है, उसके अंदर का स्पेशल सर्विस प्रोवाइड करती है। PSC क्या करती है, स्पेशल सर्विस, CSC स्पेशल सर्विस प्रोवाइड करती है। और जो ये इस्टेब्लिश की जाती है वो 1,20,000 की जनसंख्या मैदानी क्षेत्र में, और जो हिली एरिया होता है वहाँ पे 80,000 की जनसंख्या पूरी ये कवर करती है। उसके अलावा जो कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक होते हैं उसके ऊपर CSC की स्थापना की जाती है, और जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है होता है यानी CSA है उसके ऊपर, उसके अंदर एक सर्जन, फिजिजियन फिजिशियन और ये गायनेकोलॉजिस्ट विशेषज्ञ यानी स्पेशलिस्ट होता है, बाल रोग स्पेशलिस्ट होता है, उसके अलावा 4 विशेषज्ञ होते हैं। उसके अलावा प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र यानी CSC होती है, उसके अंदर 30 बिस्तर होते हैं यानी 30 बेड होते हैं, जितना वो 30 बेड कवर कर सकती है। और उसके अलावा एक एक्सरे रूम होता है, उसके बाद डिलीवरी रूम होता है, ऑपरेशन थिएटर होता है, एक लैब होती है, और उसके अंदर जो ये CSC है वो 4 PSC के लिए रेफरल सिस्टम का काम करता है। 4 PSC मतलब कह सकते 4 PSC को कंट्रोल करता है, और जो PSC होती है वो 6 CSC को कंट्रोल करती है, और जो 6 CSC होती है वो 6 फीमेल हेल्थ वर्कर को कंट्रोल करती है। ये इसका पूरा सेटअप है। तो आगे इसमें पढ़ते हैं कि स्टाफ होते हैं, जो स्टाफ कितना होता है और किसका क्या कार्य है, स्टाफ देख लेते हैं इसके अंदर स्टाफ कितने का है। तो जो स्टाफ है ये पर्सनल है, तो इसमें क्या है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए अडाप्ट किए भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का स्टाफ निम्न प्रकार होना चाहिए। तो कैसे निम्न प्रकार कैसा है, तो आगे पढ़ते देखिए अपन अगले पेज पे। तो स्टाफ के बारे में पढ़ लेते हैं, स्टाफ क्या है इसमें, ये 3 भागों में बांटा गया है। तो जो वर्तमान में यानी अभी चल रहे हैं प्रेजेंट में, तो वो है क्या है, एक सर्जन, एक फिजिशियन, एक गायनेकोलॉजिस्ट और एक ये चाइल्ड स्पेशलिस्ट होता है, तो वो एक टोटल होता है इसका, ये 4 का स्टाफ है। उसके अलावा जो प्रस्तावित चिकित्सा पद हैं, तो प्रस्तावित में क्या है, एक ये एनेस्थेटिक स्पेशलिस्ट हैं वो हैं, और उसके बाद ये सुविधा पर रख सकते हैं इसको, शुल्क के आधार पर भी रखा जाता है। उसके बाद है नेत्र शल्य चिकित्सा, जो आई ऑपरेशन होते हैं उसके लिए सर्जन है, ये क्या है, विजन 2020 के अंतर्गत प्रत्येक 5 लाख की जनसंख्या पर, ये प्रत्येक 5 लाख की जनसंख्या पर एक ये सर्जन होगा। उसके बाद है जन स्वास्थ्य प्रबंधक, जन स्वास्थ्य प्रबंधक है तो वो भी एक होगा इस के अनुसार, ये 3 का स्टाफ यहाँ पे होना बहुत जरूरी है, यहाँ पे 3 का स्टाफ है। उसके अलावा जब अपन वर्तमान में स्वीकृत पद हैं तो वो पढ़े थे, तो वर्तमान में स्वीकृत पद के अंदर ये 4 का स्टाफ होना, ये भी 4 का स्टाफ बहुत जरूरी है, और जो जिसे स्वीकृत है प्रस्तावित पद है उसमें 3 का स्टाफ होना जरूरी है। और उसके बाद अपन पढ़ते हैं कि जन स्वास्थ्य वाला जो है, जन स्वास्थ्य कार्य प्रबंधक है, जन स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रबंधक है वो ये हुआ, तो वो इसे संविदा पर रखा जाएगा, यानी स्टाफ संविदा पर रखा जाएगा, ये गवर्नमेंट का नहीं होगा। और जो वर्तमान में स्वीकृत अन्य स्टाफ हैं वो जैसे नर्स है, नर्स मिडवाइफरी, तो वो 7+2 लिखा हुआ है, फिलहाल में 7 होना था, +2 यानी 2 का वर्ष के अंदर ऐड किया जाएगा। उसके बाद ड्रेसर, जो ड्रेसिंग करने के लिए एक है, फार्मासिस्ट एक है, प्रयोगशाला तकनीशियन यानी लैब टेक्नीशियन वो एक है, रेडियोग्राफर एक होगा, नेत्र सहायक यानी जो कहते हैं कि जो आई का जो ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर है, सर्जन है, उसके साथ एक जो सहायक होगा वो हेल्पर, वार्ड बॉय है तो वो वार्ड बॉय लिख रखा है इसमें कि 2, नर्सिंग अर्धदलीय 2 होंगे। उसके बाद सफाई कर्मचारी 3 हैं, उसके बाद चौकीदार, OPD अटेंडेंट है, सांख्यिकीय सहायक हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर है, OT सहायक, पंजीयन क्लर्क हैं, कुल मिलाकर ये इनकी संख्या 5 हो सकती है, ये प्रस्तावित अभी हुए नहीं है, इसकी संख्या 5 हो सकती है। वर्तमान में स्वीकृत अन्य पद यानी स्वीकृत किए जाएंगे पर लगता हुए नहीं है, होने वाले हैं, क्योंकि टोटल की संख्या ये आप बता रखी है कि ये इतने हो सकते हैं, ये 21 से 22 के पद हो सकते हैं, और +2 के अंदर ऐड करके 23 से 24 के बीच में ये पद हो सकते हैं। उसके अलावा आगे हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स,
पढ़ते हैं फ्रेंड्स, के फंक्शन क्या है, जो सीएससी होती है उसके अंदर फंक्शन क्या क्या है, तो पढ़ते हैं। जो विशेषज्ञ सेवा होती है उसमें क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या सुविधा है, क्या क्या कार्य है। तो स्त्री रोग है, गायनकोलॉजिस्ट है, शिशु रोग है, सर्जरी है, मेडिसिन है, ये सेवा प्रदान करना, सभी उपचारात्मक एवं निवारक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना। उसके बाद है संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के कार्य की देखभाल एवं निरीक्षण। जो पीएससी है उन पर कार्य कैसा चल रहा है, सही ढंग से सुव्यवस्थित ढंग से चल रहा है, चल रहा है, उसकी देखभाल और उसका निरीक्षण करना। उसके बाद है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए परामर्श सुविधा उपलब्ध कराना, यानी काउंसलिंग सुविधा उपलब्ध कराना। उसके बाद है रोगियों को जिला अस्पताल, टीचिंग हॉस्पिटल के लिए रेफर करना, ये रेफर सिस्टम की भी सुविधा प्रोवाइड करता है जिला अस्पतालों में। उसके बाद है सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का क्रियान्वयन एवं सक्रिय सहभागिता है। उसके बाद है जो RCH है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ चाइल्ड है, उसकी सेवाएं प्रदान करना, फर्स्ट रेफरल इकाई है के रूप में कार्य करना, भारतीय स्वास्थ्य मानकों के निर्देशा अनुसार जो सेवाएं हैं उनको प्रदान करना। तो फ्रेंड्स, आज का अपने 3 टीयर सिस्टम है वो यहीं समाप्त होता है। 3 टीयर सिस्टम के अंदर हमने आपको बताया सब सेंटर का स्टाफ, इसका संगठन, सेटअप कैसे होता है, फिर PSC के बारे में, फिर अपन ने बताया CSC के बारे में, इसके फंक्शन पढ़े अपन ने, इसके कार्य पढ़े, इसका स्टाफ कितना वो पढ़ा है, कितने की जनसंख्या को कवर करता है वो हमने पढ़ा। इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रेंड हेल्थ प्लानिंग एंड हेल्थ रिपोर्ट इन इंडिया। तो इसके बाद यही पढ़ेंगे हम, चैप्टर है हेल्थ प्लानिंग एंड हेल्थ रिपोर्ट इन इंडिया के बारे में इसकी जानकारी लेंगे। उसके अंदर क्या प्लानिंग है, रिपोर्ट्स क्या है, कैसे वर्क है, क्या है, कौन सी योजनाएं चल रही है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। देखते रहिए Study18 और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूले फ्रेंड। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।